ओ मैं नहीं बना रहा यार वीडियो, ओ मैं नहीं बना रहा यार। अबे क्या करवा दिया तुमने, कह रहा कुछ अलग करो। भाई मैं नहीं बना रहा, ये बच्चों की जिद हो गई भैया। मेरे बच्चे नहीं, मेरे भाई के बच्चे। कैसा लग रहा हूँ मैं? ठीक है, थोड़ा अलग होना जरूरी है। इस वजह से ये बच्चों की जिद थी, मेरे भाई के बच्चे, जैसे कि मैंने बताया। क्यों करवा लिया मैंने? घर की खेती है, दोबारा उग जाएगी। अच्छा हुआ बालों के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, अगर बाल कटे जाते तो समझ रहे हो तुम कितने महीने और सालों की मेहनत खराब हो जाती। सर रिव्यू करना है आपको? अबे कर लेंगे रिव्यू भी, रुक जाओ, पहले बात ना बताऊं। पर्सनली परेशान हो गया मैं यहाँ पे, कमेंट में बता देना यार कैसे लग रही है लोग प्लीज, है ना। मैं यार नहीं तो टेंशन में आ जाऊंगा बिल्कुल। हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल सिद्धवान और आज हम बात करने वाले हैं यार कुछ ब्रांड्स के बारे में, और उन ब्रांड्स का कोई एक परफ्यूम आज मैं सिलेक्ट करने वाला हूं जो मेरे सबसे फेवरेट्स में से एक है, या उस ब्रांड का अगर मुझे कोई एक ही परफ्यूम पिक करना होगा तो वही वाला परफ्यूम होगा। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का ये टॉपिक, और आज हम देखेंगे यार कि कौन से वो ब्रांड्स हैं और कौन से वो परफ्यूम्स हैं जो मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब हैं और पर्सनली मुझे काफी पसंद है, स्पेशली उन ब्रांड्स से, और उन पर्टिकुलर ब्रांड्स का सिर्फ एक ही परफ्यूम आज हम सेलेक्ट करने वाले हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक ब्रांड की, जो है हमारा इंडियन ब्रांड डेनवर। इसको सभी जानते हैं यार, और इसका मैं ये डेनवर का हैमिल्टन में काफी यूज कर चुका हूं, बट यार इसके अंदर वो बात नहीं रही। मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, बट लोगों को पता चल जाता है कि ये सस्ते वाला परफ्यूम इन्होंने लगाया हुआ है। इस वजह से इस परफ्यूम को मैं अब उतना नहीं लगाता हूँ और मैं इसकी तरफ ज्यादा रीच नहीं करता हूँ। बट एक ऐसा परफ्यूम है, वो एक्चुअली परफ्यूम नहीं है, मुझे उसका डीओ वर्जन ये ज्यादा अच्छा लगा, और वो है ये डेनवर का कैलिबर। तो इसके अंदर क्या है कि थोड़ी सी जो मॉडर्न खुशबू है वो आपको मिल जाती है, जो थोड़े से ठंडे सीजन के अंदर ज्यादा अच्छी लगती है, और आपको वर्साचे एरोज, जो कि काफी महंगा परफ्यूम है वर्साचे का, ये इसकी याद दिलाती है। तो अगर मुझे डेनवर का कोई एक पिक करना पड़ता तो मैं पिक करता कैलिबर को। और दोस्तों डेनवर का आपको पता ही है कि 500 से कम बजट वाले परफ्यूम्स हैं, तो जो ये परफ्यूम है ये भी 500 से कम बजट वाला है, और ये जो डीओ है ये तो और सस्ते आते हैं इनके। दोस्तों बात करते हैं मिडिल ईस्टर्न ब्रांड्स में लताफा की, और अगर लताफा के अंदर मुझे कोई सिलेक्ट करना पड़ता तो मैं वहां पे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता, क्योंकि यहां लताफा फखर भी है मेरे पास। ये फखर काफी अच्छा परफ्यूम है, ये YDP का क्लोन है और पैसा वसूल चीज है जो आपकी डेट्स वेट्स पे भी काम आ सकता है। फिर ये खामरा भी था, जो कि आजकल यार बिल्कुल सेंसेशन बना हुआ है, सब लोग इसकी काफी तारीफ कर रहे हैं। पार्टीज में लगाने पर ये बहुत अच्छा लगता है और काफी स्ट्रांग है। सर्दियों का परफ्यूम है ये, और इसे भी मैं कंसिडर कर सकता था, बट यार एक ऐसा परफ्यूम है लताफा का जो मुझे लगता है कि लताफा ने इस तरीके से उसका प्राइस और उसकी जो ब्लेंड है वो उस तरीके से मैनेज किया है कि वो सच में लताफा का अगर मुझे एक ही परफ्यूम सेलेक्ट करना पड़ता तो मैं यही वाला करता। बड़ा मुश्किल था यार ये, कितना मुश्किल है यार, इतने सारे परफ्यूम्स, मेरे पास कोई एक दो परफ्यूम तो है नहीं इन ब्रांड्स के, मेरे पास इतने सारे 10-20-50 परफ्यूम भी है किसी एक एक ब्रांड के, तो काफी मुश्किल होता है इसमें। बट फिर भी सारी मुश्किलों के बावजूद मैंने सेलेक्ट करा है लताफा कायद को। ये भी दोस्तों सर्दियों का परफ्यूम है, पर यार इस जैसा ब्लेंड, ओ हो हो, आप इसका रिव्यू देख सकते हो यार, मैंने लताफा वाली वीडियोस वगैरह में इसके बारे में बताया आपको। स्वीट कार्डमम की नोट है इसके अंदर, लगता तो ऐसा है इसे देखकर कि बहुत ज्यादा कोई ओरिएंटल परफ्यूम होगा, बट ये ओरिएंटल नहीं है। इसके अंदर आपको वेस्टर्न थोड़ी सी मैच्योर पार्टी वाली बट एक सूदिंग फील मिलेगी, तो लताफा ब्रांड के अंदर मैं सेलेक्ट करता कायद को। फखर का लगभग 1500 के आसपास का प्राइस है, खामरा का 2500 के अराउंड है, और ये कायद भी 1500 से 2000 के बजट वाला परफ्यूम है। अब बात करते हैं दोस्तों अर्मफ ब्रांड की, और अर्मफ का यार बताने की जरूरत नहीं है, वैसे तो मैं क्लब ड्यूनी सियाज भी सेलेक्ट कर लेता, बट यार आपको पता है कि अर्मफ का सिर्फ एक ही परफ्यूम ऐसा है जिसका तोड़ आज तक उस प्राइस में लोग इतनी आराम से नहीं निकाल पाए हैं। जो भी बाकी परफ्यूम्स है, जैसे एलआरएम इनका लेवेंचर इंटेंस है या बाकी और कोई है, वो सब उससे महंगे हैं, और वो ये परफ्यूम है क्लब ड्यूनी इंटेंस मैन। इसका जो 150 ml वाला वेरियंट है ये प्योर पफा, ये मुझे काफी अच्छा लगता है, क्योंकि प्राइस में भी आपको पर एमएल के हिसाब से देखा जाए तो ईडीटी के आसपास ही पड़ता है, बट ये कंसेंट्रेशन है प्योर पफा, तो ये हल्का सा ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है और ज्यादा परफॉर्मिंग है। ये 4000 के आसपास के बजट वाला परफ्यूम है। अर्मफ के बाद अगर फॉग की बात करते हैं तो दोस्तों फॉग जो ब्रांड है हमारा, इसके अंदर मुझे काफी चीजें पसंद है, जैसे एक फॉग का फ्रेश एरोमेटिक वो डीओ है जो एमन का क्लोन है, और एक ये जैसे फॉग का डायनेमिक ये डीओ है, ये थोड़ा थोड़ा सा इनविक्टस एक्वा जैसे इसी याद दिलाता है हमें, तो ये मुझे काफी पसंद है। इनका एक ऊद एक्सट्रीम ऐसा है, देखो दोस्तों 35 पैसे में मटर पनीर नहीं मिलता है, बट टेस्ट करा इसे तो ये एक अच्छा ब्लेंड है जो कम पैसों में थोड़ा सा ठीक है, अच्छा परफॉर्म करता है, काफी स्ट्रॉन्ग है, तो इसको भी कंसिडर किया जा सकता था, बट यार मैं उसको कंसिडर करूंगा जो मैंने सच में लगाया हुआ है, और मैंने जो लगाया है सबसे ज्यादा वो है ये फॉग का एक्सट्रीमो। तो एक्सट्रीमो क्या है, ये थोड़ा सा फ्रेश वुडी सा लगता है, और यार इसकी जो फील है वो प्लेजेंट है, सेफ है, इसे आप गर्मियों के सीजन में आराम से लगा सकते हो, और यार ये लोगों को बुरा नहीं लगता है, आपको शायद ये उतना कोई ग्राउंड ब्रेकिंग ना लगे, बट एक ऐसा सेंट जिसे डिस्काउंट में लेने पर ये पैसा वसूल करवा देता है। फॉग परफ्यूम्स की यार एमआरपी तो ज्यादा होती है, बट ये डिस्काउंट में 500 से काफी कम में मिल जाते हैं, तो ये 500 से कम बजट वाले परफ्यूम्स होते हैं। और हाँ यार वो 35 पैसे में मटर पनीर वाली बात वो आप ध्यान रखना, कुछ तो रीजन होगा जो इतना बड़ा कलेक्शन मैंने बना रखा है, नहीं तो मैं 500-700 में काम नहीं चला लेता अपना। अब बात करते हैं दोस्तों रसासी ब्रांड की, और रसासी का वैसे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि दारिज मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट यार आपको बताया कि रसासी का नंबर वन एक ही परफ्यूम हो सकता है, और वो है रसासी हवस फॉर हिम। ये रहा, टेक ऑफ करना है यहाँ से, टेक ऑफ करना है, टेक ऑफ, टेक ऑफ, टेक ऑफ, ये टेक ऑफ, वो
अबे क्या लगा दिया है बीच में, क्या था ये? ओ यार एडिटर भैया, वो चैनल अलग है, ये चैनल अलग है, उस चैनल के बारे में पहले इन्हें बताना पड़ेगा। बता देते हैं। तो दोस्तों क्या है कि आपको अगर मजेदार गेम प्लेस देखने का शौक है तो इस बार बिना कमेंट्री वाले नहीं, मस्त कमेंट्री वाले। और किसकी कमेंट्री? मेरी कमेंट्री। कौन खेलेगा? मैं खेलूंगा। वैसे तो मैं खेलता ही हूँ यार, बट मैंने सोचा कि क्यों ना अब यूट्यूब पे उनको अपलोड किया जाए और आपके साथ भी शेयर किया जाए। और मैं आपको सही बता रहा हूँ कि जो लोग आप इन सब चीजों में इंटरेस्टेड है, चाहे वो GTA 5 गेम हो, चाहे कोई सा भी गेम हो यार, चाहे वो टेकन का फाइटिंग गेम हो, चाहे कोई फर्स्ट पर्सन शूटर गेम हो, तुम्हारा भाई सब खेलता है। बाकी जो जिसको पसंद होगा वो सब भी खेला जाएगा। तो आप में से जो जो इंटरेस्टेड है वो सीधा इस वाले चैनल पे सब्सक्राइब करो जाके। कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और फिर हम मिलेंगे वहां पर। एडिटर दोबारा से गलती नहीं करनी। MSI का लैपटॉप दिला दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने हिसाब से कुछ भी चिपका दोगे। यहाँ पे परफ्यूम का चैनल है यार ये, फ्रेग्रेंसेस को रिव्यू करता हूँ मैं यहाँ पर, दुनिया की सबसे बेस्ट वाली। चलो यार इस वीडियो के बहाने मैंने इसको दोबारा स्मेल कर लिया और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो खुशबू है ये सिर्फ रसासी ब्रांड में नहीं, मेरे पूरे कलेक्शन के अंदर मेरे सबसे फेवरेट्स में से एक है अनडाउटेडली। बहुत अच्छी, और जब भी मैं इसे स्मेल करता हूँ, जब भी ये फ्रेग्रेंस मेरे आसपास आती है, मुझे मेरे चेहरे पे आप देख सकते हो यार खुशी आ जाती है। ये वही 5000 के आसपास के बजट वाला परफ्यूम है, पर अगर ये नहीं होता तो हम दारिश को सेलेक्ट कर लेते हैं। अफनान दोस्तों, अगर अब हम अफनान की बात करें तो अफनान का भी यार वैसे तो कंफ्यूजिंग थोड़ा सा मैटर है, इनके काफी अच्छे अच्छे परफ्यूम्स है। सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस भी बहुत अच्छा है, मुझे तो यार सुप्रीमेसी ऊद की क्वालिटी भी जबरदस्त लगती है, बट वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है क्योंकि ऊद फॉर ग्रेटनेस के जो क्लोन है वो लताफा ऊद फॉर ग्लोरी तो है ही, बाकी एक नसीम का ऊद भी काफी अच्छा है और काफी कम पैसों में है। तो सुप्रीमेसी ऊद को शायद मैं नहीं रखता, बट सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस काफी अच्छा था तो मैं उसको रख सकता था, बट यार आपको पता है कि नहीं, अफनान यानी अफनान 9 PM। तो दोस्तों ये है सबसे बेस्ट मेरा अफनान का परफ्यूम, जिसके बिना यार ओहो एक तसल्ली नहीं होती मन को, क्योंकि JPG अल्ट्रा मेल का सबसे बेस्ट क्लोन है और उससे आधे से भी कम दाम में है। अल्ट्रा मेल वैसे भी यार लगभग डिसकंटिन्यू हो गया है, कभी आता है मार्केट में फिर चला जाता है, तो उसके पीछे भागने की उतनी जरूरत नहीं रह जाती। अगर आपको अल्ट्रा मेल जैसा ही परफ्यूम चाहिए तो अफनान 9 PM ये सबसे बेस्ट है। बाकी लताफा गरम सिल्वर भी काफी अच्छा है, बट यार 9 PM का कोई तोड़ नहीं है। स्वीट बबल गमी परफ्यूम जो सर्दियों के लिए है, आपकी पार्टीज के लिए है और जो गर्ल्स को भी बहुत अट्रैक्टिव लगता है, और इसका बजट रहेगा लगभग 3000 रुपए के आसपास। दोस्तों बीच में डिजाइनर की भी बात कर लेते हैं, जो है वर्साचे। और अगर वर्साचे की बात करें तो यार मुझे एरोज काफी पसंद है, मैं एरोज को इस लिस्ट में रख लेता, जिसने मुझे सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स दिलाए हैं वो एरोज ही परफ्यूम है। पर यार मेरा जो पर्सनल फेवरेट है, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, जिसके बिना मैं रह ही नहीं सकता, वर्साचे का वो परफ्यूम है। वर्साचे ड्रीमर नहीं है वो इस बार, हालांकि वो भी मुझे काफी पसंद है, बट ये है वर्साचे डेलन ब्लू। फिर से एक बहाना मिल गया मुझे इसको खुशबू को फील करने का। वाओ वाओ ग्रेट। दोस्तों ऑल टाइम ऑल वेदर, डेट्स पे लगाओ, ऑफिस में लगाओ, कहीं भी लगाओ इस परफ्यूम को, जहां भी लगाओगे वहां पे आपको कॉन्फिडेंट फील रहेगा। और शुरू के 2-1 घंटे अगर कोई आपके आसपास आ जाता है तो उसे पता चल जाता है कि यार आपने कोई महंगा परफ्यूम आज लगाया है, जो कि इतना ज्यादा वर्सेटाइल है, इतना ज्यादा सेफ है कि आप इसको किसी भी ओकेजन किसी भी सीजन में आराम से लगा सकते हो। और ये गर्ल्स को काफी अट्रैक्टिव लगता है तो आप इसे डेट्स पर भी आराम से लगा सकते हो। दोस्तों वर्साचे के प्राइसेस की बात करें तो ये डिजाइनर परफ्यूम्स हैं जो 5000 रुपए से लेकर 10000 रुपए तक के आ सकते हैं, क्योंकि ये 200 ml की बड़ी बॉटल्स है मेरी, तो इनका MRP काफी ज्यादा रहता है, बट फिर भी 8-1 हजार का बजट आप इनके लिए मानकर चलो। हाँ 100 ml थोड़े से और कम में आपको मिल जाएगा, बट सबसे बढ़िया तरीका डिजाइनर परफ्यूम से महंगे परफ्यूम्स के साथ ये रहता है कि आप उनका पहले कोई डिकेंट ले लो, छोटे छोटे डिकेंट सैंपल वगैरह बेचते हैं लोग, तो आप डिकेंट वगैरह लेकर ट्राई करो इनको, जो आपको सबसे अच्छा लगता है फिर आप उसकी फुल बॉटल लो। अब यार 11 की बात कर लेते हैं, वैसे तो मैं लेवेंचर इंटेंस को सेलेक्ट कर सकता था, बट यार ये वाला परफ्यूम ये कम प्राइस का है, इजिली अवेलेबल है और एक ऐसे नीच परफ्यूम का क्लोन है जिसके क्लोन्स मार्केट में इजिली अवेलेबल नहीं है, और ये काफी अच्छा क्लोन है उसका। थोड़ा सा ठंडा वेदर होगा, उसमें पार्टीज में लगाओगे यार तो सबको अट्रैक्टिव लगेगा, आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। और ये है एलर्मेन का डिटोर नोआर। ये थोड़ी सी प्रेजेंटेशन इसकी इतनी अच्छी नहीं लगती मुझे, बट यार इसकी जो खुशबू है आहा, ये परफ्यूम्स जो मार्ली लेटन का क्लोन है, और यार इन्होंने यहाँ पर खुशबू को बहुत अच्छे से ब्लेंड किया है, उसको क्लोन बहुत अच्छे से किया है और परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी दी है। PDM लेटन का यार कोई जवाब नहीं है, उसका कोई तोड़ नहीं हो सकता, बट ये अपने पैसों को पूरा वसूल करवाता है, आपको कॉम्प्लीमेंट दिलाता है और इसे लगाने पर आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। माना अनजान है तू मेरे वास्ते, माना अनजान हो मैं तेरे वास्ते, तू मुझको जान ले मैं तुझको जान लूं, आ दिल के पास इस दिल के रास्ते, जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, इस हाल से हाल मिला, ओ, ताल से ताल मिला।